महामंगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। देखिएगी असमल खान और कटप्पा के बीच की दोस्ती, कौन है बाहुबली की फाइटर क्वीन। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और बॉलीग्राड स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो दोस्तों, इंटरवल के बाद देखने को मिलेगा अनलिमिटेड एक्शन और एक वॉर सेटअप जो कि काफी ग्रैंड होने वाला है, जहां होगी दो राज्यों के बीच ग्रैंड वॉर। अब दिखाया ये जाएगा कि देव सेना के कहने पर बाहुबली तैयार हो जाता है यश देव की मदद के लिए, लेकिन उसके पास आर्मी की कुछ कमी है। तब एंट्री होती है असमल खान की, जो कि कटप्पा का काफी अच्छा दोस्त है। असमल खान एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है, जो कि बाहुबली के लिए अपनी ताकतवर और बड़ी सी सेना को प्रिपेयर करता है। अब जैसे ही ये सेना महिष्मति पहुंचती है, तभी एंट्री होती है एक नकाब पोश व्यक्ति की, जो कि घोड़े पर सवार है और ये कोई और नहीं बल्कि असमल खान खुद है। तो दोस्तों, वो अपनी बड़ी सी सेना को तैयार करता है बाहुबली की मदद के लिए, और उस जमाने के हिसाब से उसके पास काफ़ी ज़्यादा हाईटेक वेपन्स और गोला बारूद भी है, जो उस वक्त के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है। अब बाहुबली और असमल खान मिलकर एक बहुत ही अच्छा चक्रव्यूह तैयार करते हैं अपने दुश्मनों को घेरने के लिए। अब महेशमति राज्य में काफी कमाल के शूरवीर रहते हैं, और जहां महेंद्र जैसे योद्धा हो वहां वीरांगनाएं भी जन्म लेंगी, ये लाजमी है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अवंतिका की, जो महेंद्र की पत्नी और महेशमति साम्राज्य की महारानी है। वो भी इस युद्ध में भाग लेना चाहती है और वो धनुर्विद्या में एकदम कुशल है, और उसके साथ साथ अब उन्होंने तलवार चलाना भी सीख लिया है। हालांकि राजमाता उन्हें मना करती है कि वो युद्ध में भाग ना ले, क्योंकि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन वो फिर भी जिद कर महेंद्र को मना लेती है और इस युद्ध में भाग लेती है। अब युद्ध के 3rd दिन एक तीर आकर उनके पेट पर लगता है और वो खून से लहूलुहान हो जाती है, और इसी हालत में उन्हें वैद्य के पास ले जाया जाता है। वैद उन्हें बताते हैं कि तीर पेट पर जरूर लगा है, लेकिन बच्चा अभी भी सुरक्षित है, और उसके बाद उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है, और इसके बाद वो युद्ध में भाग नहीं ले पाती है। और महेंद्र बाहुबली की सेना दूसरे दुश्मन की सेना पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही है। महेंद्र बाहुबली अपने रथ में आगे बढ़ते हुए सलके के सारे सैनिकों को मारते हुए आगे चल रहा है, और ऐसे में कुछ देर के बाद उसकी मुलाकात खुद सलके से होती है, और जैसे ही वो अपनी तलवार निकालकर सलके पर हमला करना चाहता है, तभी बाहुबली नीचे गिर जाता है। वो अधमरी हालत में जब पीछे देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसकी पीठ पर तलवार से वार किया है, और वो किसी और ने नहीं खुद यश देव ने किया है, जिस पर सलके कहता है कि तुमने एक सांप को पाला हुआ था, ये सही व्यक्ति नहीं है। और इतने में एक तीर सलके के गर्दन के आर पार हो जाती है। और अब हमारा सवाल आपसे ये है कि हमें बताइए, आपको क्यों लगता है कि यश देव ने बाहुबली को धोखा दिया, और किसने मारी सलके को तीर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सिनेमा देखते रहें। नमस्ते।